तो यहाँ ये फ्रेंड्स सुबह सुबह की क्लिप है और ये 16 तारीख की क्लिप है। सोमवार का लास्ट दिन था इस दिन, तो आज भी मैंने सेम वैसे ही पूजा की। ये देखिए भगवान मेरे भोलेनाथ, जैसे मैंने बाकी 3 दिन 3 सोमवार में किए थे। तो मेरी वीडियो जो है सुबह पूजा पाठ से स्टार्ट हो चुकी है और आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान के, पूजा हो गई। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रील ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और वीडियो है जो सुबह से स्टार्ट हो गई, पूजा पाठ आपने देख ही लिया। आज सावन का चौथा सोमवार है और व्रत रखा है मैंने आज भी। आज भी व्रत है मेरा, पूजा पाठ मेरा हो चुका है। और हेलो कर दो, हेलो करना बेदी। अरे वाह, वेदांशी आप सबको हेलो बोल रही है। खूब सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा बेबी को, है ना। और मेरा नाना धोना सब हो गया है और बेबी का भी नहीं हुआ है। बेबी की मसाज हो चुकी है, नाना धोना नहीं हुआ। ये ना कैमरा मांग रही है मुझसे, ये मुझसे ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके सामने ना फोन उठाना मुश्किल होता है, मांगती है फिर ये मुझसे। देखो ये देखो मांग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज व्रत है और देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। तो जो भी बनाऊंगी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और आज आप लोग के साथ ना हरिद्वार ब्लॉग तो आप लोगों ने मेरा देख ही लिया होगा। तो आज मैं क्या क्या लाई थी हरिद्वार से। बेटा रुकना, ये लीजिए केक बेदी के लिए, मिनी स्वीट्स रोल वेदांशी के लिए लाई थी मैं। कुछ खाती नहीं, बहुत मुश्किल होता है इसको कुछ भी खिलाना। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मेरा जो हरिद्वार का जो ब्लॉग है वो तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन वहाँ से जो भी मैं छोटी मोटी चीज़ें लाई थी ना, वो सब मैं आज आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, आज दिखाऊँगी शेयर करूँगी आप लोगों को के साथ में कि मैं हरिद्वार से क्या क्या लाई हूँ। जो भी थोड़ा मोड़ा सामान लाई हूँ मैं सब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आज, ठीक है। बने रहिए वीडियो में। और देखिए आज कितने सारे कपड़े धुले हुए हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। ये देखिए सारे कपड़ों की धुलाई भी आज मैंने की और काफ़ी सारा काम किया मैंने सुबह में। और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में, साबुदाना भिगोऊंगी। तो ये मैं साबुदाना शाम सुबह ही मैं शॉप से लेकर आई हूँ, साबुदाना घर में मेरे नहीं था। और आज मुझे साबुदाने की खीरी बनानी है और साथ में बिस्किट भी लेकर आई हूँ बेदी के लिए, और रेज़र लेकर आई हूँ। हस्बैंड सेविंग वगैरह करते हैं तो वो नहीं था, तो वो लेकर आई हूँ। साबुदाना भिगो दूंगी मैं, तो ये घंटे में अच्छे से फूल जाएगा, फिर इसे बनाएंगे। साबुदाना तो मैंने भिगो दिया और साबुदाने भिगोने के बाद फ्रेंड्स फिर मैंने वेदांशी को नहलाया क्योंकि इसने नहाया नहीं था। तो मैं इसे थोड़ा सा लेट इसीलिए नहलाती हूँ क्योंकि ये जब भी नहाती है ना तो नहाने के बाद ये ज़रूर सोती है। तो अभी आप देखिए ये सो चुकी है, इसने नहा भी लिया है और नहा कर ये रेडी हो गई है। और रेडी होकर मैंने जैसे ही इसे नहलाया और इसे मैंने तैयार किया तो उसके बाद ही फीड लेकर और ये सो जाती है। तो अभी ये आराम से 1 से 2 घंटे तक आराम से सोएगी। इसका बेड पर टॉयस पड़ा हुआ है, देखिए पूरा खेलेगी, इसको बहुत प्यार करती है। इसके पास ज़्यादा खिलौने तो नहीं है, 2-4 ही खिलौने, लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वेदांशी इसको बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से इसे खिलाती है। बाबू बोलती है, इसे बाबू बोलो ना, बोलो बाबू को सुलाओ, बाबू को खिलाओ, तो इसको बहुत खिलाती है। तो इसी वजह से ये ज़्यादातर बेड पे ही रहता है ये, क्योंकि ये वेदांशी का फेवरेट खिलौना है। टीवी चल रही है मेरी, मैं थोड़ा सा न्यूज़ देख रही थी। कल से तो कोई टीवी कुछ नहीं चली, हम कल शाम आए थे 5:30 बजे करीब, कुछ नहीं कर पाए, हम इतने थके हुए हैं। बल्कि मैं अभी भी इस टाइम भी मुझे इतनी ज़्यादा थकान सी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है बस कुछ ना करूं, बस मैं सो जाऊं। तो वैसे अब तो मेरा काम सारे हो ही गए हैं और टाइम हो रहा है 10:50 का टाइम हो रहा है, 10:50 हो रहे हैं और मेरा इस टाइम सारा काम जो है फिनिश हो गया है। सब मैंने काम, मेरा जो काम है A to Z मैंने कम्प्लीट कर लिया है। और साबुदाने की खीर जो है मेरी, साबुदाना मैंने भिगो दिया है, तो अभी मैं 10 मिनट के बाद बनाऊंगी क्योंकि खाना तो मुझे 12 बजे के लगभग में है। तो चलिए तब तक मैं आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ, है ना। साबुदाने की खीर की रेसिपी क्या शेयर करूँगी, वो तो हर कोई बना लेता है ना, हर कोई हर किसी के घर में साबुदाने की खीर बनती है। तो वो रेसिपी मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी, फिर किसी दिन और कर दूँगी जब बनाऊँगी तो। और देखिए यहाँ ना दिखाती हूँ मैं, ये टेबल पे ही मेरा सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, जो भी हम लाए थे। ये तो हस्बैंड को मिला है,
ये वाला, इसमें क्या है मुझे भी नहीं पता है। और ये हस्बैंड को मेरे कल ही मिला, कल हरिद्वार से आने के बाद फिर वो नहाए नहा धोकर फिर वो गए थे, तो कल उनका फेयरवेल था, विदाई पार्टी बोलते हैं ना वो था कल, तो उसमें उन्हें ये मिला है। और आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के लिए ढेर सारे सरप्राइज है, तो मेरे वीडियो में मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा, खूब सारे सरप्राइज ब्लॉग आने वाले हैं आप लोगों के लिए। लोगों ने उन्हें गिफ्ट किया है, तो इसमें क्या है ये मैं शाम को वो जब आएंगे तो उन्हीं से मैं ओपन करवाऊंगी और तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे तो हम नहीं अभी खोलेंगे। और ये फ्रेंड्स वो पिटारा है जो मैं हरिद्वार से लेकर आई हूँ, तो आप लोगों के सामने मैं इसे खोल रही हूँ। कल शाम आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा था, सारा सामान बस जस की तस रख दिया था। तो ये है माँ ऊपर का माँ मनसा देवी का प्रसाद। तो वहाँ पर ना नारियल और जो चावल वाला जो फुली होता है ना वही, और किशमिश और चिरौंजी वगैरह का ही प्रसाद वहाँ चढ़ता है, तो ये वही प्रसाद है। और ये फिर मैंने नीचे से अलग से ख़रीदा था ये पैकेट मिक्स कर कर बांटने के लिए। और ये यात्रा का सिंदूर है हरिद्वार का, लाल और ऑरेंज। ऑरेंज सिंदूर तो मेरे यहाँ पूजा पाठ में लगता है, तो मैं ज़्यादा लाई हूँ, मैं खुद भी लगाती हूँ ऑरेंज, और पूजा पाठ में भी मैं ऑरेंज ही यूज करती हूँ ज़्यादातर, तो वो मैं इसलिए ज़्यादा सिंदूर लेकर आई हूँ। और ये है छोटा सा प्यारा सा ब्रेसलेट, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, तो एक ये मैं लेकर आई हूँ अपनी ओनर की बेटी के लिए। और ये मेरे कान्हा जी का ड्रेस जो कि रक्षाबंधन पर वेदांशी पहनाने वाली है, या मैं ही पहनाऊँगी ठाकुर जी को, तो ये भी मैं ड्रेस लाई थी वहाँ से। और अपने लिए मैं ये चूड़ियाँ लाई थी, देखिए कितना प्यारा सेट है ना, बहुत प्यारा सेट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, राजस्थानी टच में था ये बैंगल के सेट। और एक ये मैं पर्स भी लाई हूँ, ये भी थोड़ा सा राजस्थानी लुक है इस पर्स का भी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये दिखने का ही छोटा सा पर्स है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह ये मुझे पसंद में आया था तो मैंने ले लिया था। और ये है हरिद्वार का पूरा फोटो, वहाँ का मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को, मनसा देवी, चंडी माता और काल भैरव और ये सारे देवता हैं उस फोटो में। और उसके बाद फिर मैं किचन के लिए लेकर आई थी ये छोटी सी टिफ़िन बोलेंगे इसे, डोलची बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये छोटा सा लेकर आई हूँ मैं, जैसे कि कभी घी रख लिया या तेल रख लिया ऐसे यूज में करने के लिए। और उसके बाद ये बेदी के लिए पैंटी दो, बेदी के लिए वहाँ कुछ लेने का मुझे मूड नहीं था क्योंकि कपड़े इतने कुछ खास थे नहीं, पर फिर भी ले लिया दो पैंट उसके लिए। और यही छोटी सी शॉपिंग थी वहाँ से मैंने की थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। और इसी बीच मेरी खीर भी बनके तैयार है यम्मी सी, तो मैं अब खीर खा लूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स ये सीधे शाम की क्लिप है, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं ना हस्बैंड मेरे आगे हैं, तो उनसे मैंने नारियल निकलवाया क्योंकि बहुत टाइट था वो। उसके बाद ये प्रसाद है जो कि मैं अपने ऑनर के यहाँ दे रही हूँ उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, ऐसे बोलते हैं प्रसाद जितना बांट के खाओ उतना ही अच्छा होता है, तो इस वजह मैंने उन्हें भी दे दिया। और हस्बैंड मेरे कर रहे हैं ओपन, मैंने बोला था ना आगे वीडियो में आपसे कि मैं उन्हीं से ओपन कराऊँगी, तो ये देखिए कितना प्यारा गिफ्ट मिला इन्हें, है ना प्यारा, ये देखिए बहुत ही प्यारा था ये और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो यहीं तक की है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल